दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको अपने YouTube चैनल नेक 143 क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी टेट 2021 में 6 दिन में कितने छात्र ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया और पंजीकरण कराया, कितने आवेदन हुए और 2019 में कितना पंजीकरण हुआ था, इसके बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ यूपी टेट 2021 के बारे में। दोस्तों अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। और दोस्तों मैं ट्रिकी जीएस पढ़ाता हूँ, अगर ट्रिकी जीएस पढ़ोगे तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, इसका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था आपका 7 अक्टूबर से, क्या 7 अक्टूबर को, ठीक है दोस्तों, और लास्ट डेट थे इसकी 25 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। फिर एग्जाम डेट है दोस्तों इसकी, एग्जाम जो इसका होगा आपका ये 26 ये एग्जाम डेट और रिजल्ट है दोस्तों ये आपका एग्जाम होगा 27, आवेदन पूर्ण होंगे दोस्तों ये तो हो गया लास्ट डेट। अब आवेदन कब पूर्ण होंगे दोस्तों, इसकी फीस जमा करने की तिथि क्या है 26 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों अक्टूबर। फिर इसकी बात आती है अंतिम फॉर्म पूर्ण करने की, कंप्लीट दोस्तों आवेदन पूर्ण करने की तिथि, आवेदन पूर्ण तिथि कितनी है दोस्तों आपकी 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है इसकी एग्जाम डेट, तो दोस्तों इसका एग्जाम होगा 28 नवंबर को, क्या है दोस्तों 28 नवंबर का इसका आपका एग्जाम होगा 28 नवंबर को, ठीक है दोस्तों। और कितनी पालियों में होगा, दो पालियों में होगा, ठीक है। और रिजल्ट इसका कब आएगा ये भी सारा कुछ गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, इसका रिजल्ट दोस्तों 1 महीने बाद मतलब 28 दिसंबर को इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके मतलब 6 दिन में कितने छात्र ने आवेदन, छात्र छात्राओं ने आवेदन किया और पंजीकरण किया, तो दोस्तों 6 दिन में आवेदन, 6 दिन में आवेदन कितने हुए, ठीक है दोस्तों, और 6 दिन में पंजीकरण कितना हुआ, ठीक है दोस्तों। तो 6 दिन में आपका आवेदन हुआ 20,59,94, मतलब 2,59,094, ठीक है दोस्तों। अब 6 दिन में पंजीकरण कितना हुआ, तो दोस्तों 356,685 पंजीकरण हुए, ठीक है दोस्तों। अब 2019 की बात कर लेते हैं, 2020 में तो दोस्तों कोरोना था इसी कारण हुआ नहीं था टेट का एग्जाम, 2019 में कितने पंजीकरण हुए थे, तो दोस्तों 2019 में 16.56 लाख पंजीकरण हुए थे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिससे आपको और से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। दोस्तों कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो दोस्तों मैं ट्रिकी चीज बढ़ाता हूँ, छोटी छोटी ट्रिकें आपका अच्छा स्कोर कराएंगी टेट में, पेट में, सुपर टेट में, पेट तो हो गया लेकिन 21 में हुआ है, 2022 में फिर होगा, जैसा आपको पता है पेट का सर्टिफिकेट केवल 1 साल के लिए मान्य होगा, हर साल इसका एग्जाम होना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।